बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 16 जुलाई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी, रोजगार में परिवर्तन होगा और आपको सफलता मिलेगी। कर्ज की और आर्थिक समस्याएं भी आपकी हल हो जाएंगी। ध्यान कहां रखना है? स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, इसका ध्यान आप बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग या ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि शनिवार को दाढ़ी मत बनवाओ, बाल मत कटवाओ, शनि नाराज हो जाएंगे। देखिए, ऐसा किया क्यों गया, हुआ क्यों? शनिवार के दिन आप अपना ज्यादा समय पूजा उपासना में लगाएं, पूरा फोकस पूजा उपासना पे रखें, बाकी चीजों में ना रखें। इसलिए कहा गया कि भाई एक दिन बाकी काम छोड़ दो, सिर्फ पूजा उपासना में रहो। तो कहा गया कि दाढ़ी मत बनवाओ, बाल मत कटवाओ। लेकिन इसका शनि ग्रह से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि शनिवार के दिन शनि की पोजीशन में परिवर्तन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका शनि ग्रह से कोई संबंध नहीं है। और अगर आप शनिवार के दिन बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो इससे आपका शनि खराब नहीं होगा और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। दुष्प्रभाव तब होता है जब आप ये सोचते हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा, तब जरूर बुरा हो जाता है, अन्यथा इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। अगर रोजगार की समस्या से आप परेशान हो तो क्या उपाय करेंगे? सावन में, सावन के शनिवार को सुबह शिवलिंग पर गुड़ और जल अर्पित करिए। थोड़ा सा गुड़ पहले चढ़ाइए शिवलिंग पर, उसके बाद जल चढ़ाइए। शाम के समय सावन के शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शाम के समय ही दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। सावन में जितने भी शनिवार पड़ते हैं, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके करियर संबंधी, रोजगार संबंधी बाधा दूर हो जाएगी।